अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाऊंगी अपना रमज़ान रूटीन। अभी मैं जा रही हूँ लुलू अपने पापा मम्मा के साथ ग्रॉसरी करने। ये यहाँ पे बहुत फेमस है ग्रॉसरी के लिए। आई जस्ट लव नूडल्स, तो मैं जाते ही वहाँ पे चली गई अपने लिए नूडल्स लेने। नूडल्स दिखते ही मुझे चॉकलेट्स नज़र आ गए, फिर मैंने सोचा कि चॉकलेट्स नाराज़ हो जाएंगे इसलिए मुझे ले लेने चाहिए। देन मुझे मैंगो जूस बहुत पसंद है और रमज़ान की वजह से थोड़ी वीकनेस भी हो गई है, तो मैंने फिर अपने लिए जूस भी ले लिया। इस चीज़ की स्टोरी ये है कि मैं जब दुबई आई थी तो ये मेरे पापा ने ऑलरेडी ले कर रखी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे वनीला बहुत पसंद है तो फिर मैंने ये भी अपने लिए ले लिया। फिर हमने इफ्तारी के लिए रोल वगैरह ले लिया। मुझे पालक बहुत पसंद है, मटन पालक हो, पालक पकोड़े हो, मैं कहती हूँ कि पुलाव में भी पालक हो, मुझे पालक बहुत पसंद है। तो मैं अपनी मामा को कब से कह रही थी कि मुझे पालक चाहिए, मुझे पालक पकोड़े खिलाएं प्लीज़ प्लीज़, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो भाई लेकर देती हूँ तुम्हें। उसके बाद हम वापस जा रहे थे तो मेरी मामा को गोल्ड नज़र आ गया, उन्हें मेरे लिए गोल्ड सेट लेना है, तो वो वही देखना शुरू हो गई है। सो अब हम घर वापस आ गए हैं। ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए हैं। जो भी कोरियन फ़ैन है, कोरिया का फ़ैन है, उन सबको पता होगा कि किमची क्या है। तो मुझे किमची नूडल्स नज़र आ गई, फिर मैंने वो भी ली, चॉकलेट्स लिए, रामन ली और फिर ब्राउनीज़ ली, और उसके बाद डोरिटोज, सबको पता है वो मुझे नाचोस बहुत पसंद हैं, तो फिर मैंने ये भी ले लिए, स्ट्रॉबेरी, बेरीज, पालक जूस, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। और मेरे मामा पापा मुझे बहुत कहते हैं कि फ्रूट खाओ खाओ खाओ, अफ्तारी में मुझे इतना डांटते हैं, सीरियस होकर डांटते हैं कि क्यों नहीं खा रही, ज़बरदस्ती मेरे मुंह में अंदर डालते हैं कि खाओ फ्रूट खाओ फ्रूट खाओ। तो उन्होंने फिर मेरे लिए ये सब कुछ लिया। मुझे इस मूवी का इतना वेट था, मेरा नेटफ्लिक्स बंद हो गया था उसी टाइम, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपने भाई को मैसेजेस किए कि मुझे अपना अकाउंट दे दो, मुझे ये मूवी कैसे भी करके अभी देखनी है, मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बॉलीवुड मूवीज़ नहीं आती, तो फिर मैं नेटफ्लिक्स का वेट कर रही थी, शुक्र है आ गई और मैंने देखी मैं बिल्कुल। और मुझे आलिया भट्ट भी बहुत पसंद है और इसमें इतनी अच्छी एक्टिंग की है, फुल अदाओं वाली, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। अब सहरी का टाइम हो गया है तो मैं अपनी मामा के लिए और अपने लिए सहरी बना रही हूँ। हम दोनों रोज़े रखते हैं तो ये मैं अपनी मामा की सहरी दिखा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम ख़त्म होने वाला था तो मैं अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक बात क्लियर कर दूँ, मैं बहुत शाय हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है और मैं वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं कर पाती, इसीलिए मैं जब व्लॉग बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ वीडियोस, तभी भी मैं
बोल नहीं पाती कुछ। मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। मेरी बहन मुझे इतना डांटती है कि तुमसे ये काम क्यों नहीं होता। अब भाई हर किसी की अपनी नेचर है, मुझसे ये काम नहीं होता। मैं फिर भी आज मैंने इतने एफर्ट्स करके ये इतनी भी बात की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ अप्रिशिएट करें मुझे। ये मुझे पता है और मेरी मामा और मेरी बहन को पता है कि मैं कैसे वॉइस ओवर करती हूँ, मतलब किस किस तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही फनी वे होता है मेरा, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को, पर फिर भी एटलीस्ट मैं ट्राई तो करती हूँ, गिव अप नहीं करती। मैं जब से दुबई आई हूँ मेरी स्किन मुझे बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, शायद रमज़ान की वजह से या फिर यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ मेहनत कर ली जाए। अब मैं अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं करती बिल्कुल ही, बस फेस वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर रही हूँ अपना, अब मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैं वैसे तो कुछ नहीं करती लेकिन मैं एटलीस्ट अपने लिए फ़ेस वॉश और ये सब चीज़ें, स्किन के लिए चीज़ें एटलीस्ट भाई पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अच्छी चीज़ लोगे तभी स्किन अच्छी होगी, वरना नहीं होगी। ये तो मैं हूँ जो कुछ लगाती नहीं, पर एटलीस्ट मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। मेरी बहन मुझे कहती है तुम कुछ लगाती क्यों नहीं हो, इतना कुछ बस ले कर रख देती हो, पर नहीं अब तो लगाना पड़ेगा। अब मैं लगा रही हूँ दी ऑर्डनरी का नायासिनामाइड। ऑर्डनरी की बहुत ही हाइप हुई हुई है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, सब कोई बस पागल हुआ हुआ है कि ऑर्डनरी लगाओ ऑर्डनरी लगाओ। तो फिर मैंने ले तो लिया, अब लगा कर देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी मैं हाइलुरोनिक एसिड लगा रही हूँ, ये भी दी ऑर्डनरी का ही है। ये स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करता है, सुना तो यही है लेकिन अब लगाऊँगी तो देखें क्या होता है। आखिर में मैं अपने हाथों को हैंड क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि हाथों और बॉडी को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी बटर लगा दें, हैंड क्रीम लगाएं, एटलीस्ट मॉइस्चराइज करें। फेस को भी करना चाहिए लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं करती, मुझे समझ नहीं आता। मेरे पास है भी न्यूट्रोजीना की हाइड्रो बूस्ट लेकिन पता नहीं बस मैं नहीं लगाती। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।